नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा था कि 22 तारीख से खंडवा जिले में मानसून आ जाएगा और मानसून आने के बाद अच्छी बारिश को लेकर पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन खंडवा जिले से पड़ोसी जिले जो बुरहानपुर और बैतूल में मानसून की अच्छी बारिश का दौर जारी है, लेकिन अभी तक खंडवा में पूरी तरह से मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है और दिन में बादल तो छा रहे हैं और भारी उमस के बाद शाम में थोड़ी बहुत बारिश देखी जा रही है। तो ये क्या कारण है कि खंडवा में पूरी तरह से अभी मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौसम और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खंडवा में मानसून कब तक पूरी तरह से सक्रिय होगा और लगातार बारिश का दौर कब से चालू होने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी सर, मैं जानना चाहूँगा सर, खंडवा में कब से रेगुलर बारिश होगी? आप दिन में भी सर लोगों को उमस का से जूझना पड़ रहा है और दिन में कभी बादल तो आ जाते हैं लेकिन पानी उस हिसाब से बरस ही नहीं पा रहा है, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं जी, उससे आम जन तो परेशान है ही, कृषि में भी बहुत दिक्कत आ रही है जी। क्योंकि अभी फसल कई किसानों ने बो दी है, क्योंकि हम लगातार फिर भी बोल रहे थे क्योंकि लगातार मानसून की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं जी। मानसून जो होता है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो उनकी ब्रांचेस होती है, मानसूनी सिस्टम को जो बढ़ाती है उनके कारण बढ़ता है। पहले जो मानसून बीच में रुका वहां पे आपका अरेबियन सी जो अरब सागर है वहां की ब्रांच कमजोर होने से रुक गया जी। उसके महाराष्ट्र के नीचे तक आ गया था जी। अब जैसे ही मानसून थोड़ा बढ़ा था आपका बुरहानपुर बैतूल तक आया था, तो फिर हमारे जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है वो कमजोर हो गई जी। तो अभी वर्तमान में चूंकि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून कल 23 तारीख से मध्य प्रदेश का लगभग 80% हिस्सा कवर कर चुका है जी। लेकिन चूंकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम कमजोर होने से मानसून की जो सक्रियता है जिस हिसाब से सभी जिलों में बरसना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसकी गति धीमी है। अभी जो हमें खंडवा में शाम को जो पानी मिल रहा है, शाम को कभी रात में जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, इसका असर जो अरब सागर में गुजरात के पास जो सिस्टम बना हुआ है उसके असर से ये बारिश देखने को मिल रही है। इसमें आपके जो धार है, खरगोन जिला, इधर बैतूल तक अच्छा खासा पानी देखने को मिल रहा है। बारिश हो रही है, ये केरल वाले मानसून की नहीं है, ये मानसून वही है जी। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होकर बढ़ता, दोनों से मिलजुल के ट्रफ लाइन चलती है जी। लेकिन इधर ये कमजोर पड़ गया है, इधर तो ये बढ़ रहा है जी। अरब सागर में बढ़ रहा है ऊपर को, तो गुजरात आधा लगभग 70% गुजरात को कवर कर चुका है जी। तो उसी के असर से थोड़ा सा हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है जी, जहाँ हमारा बुरहानपुर है, खंडवा है, खरगोन है, धार है, इन जिलों में अच्छी बारिश हो रही है केवल शाम के समय। खासतौर से खरगोन धार में अच्छी बारिश देखने को मिली, बैतूल में मिली, बुरहानपुर में मिली, लेकिन खंडवा चूंकि बुरहानपुर, खरगोन और बैतूल से अंदर को है, इधर थोड़ा असर खासतौर से पंधाना ब्लॉक में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है पानी का। पंधाना ब्लॉक में अच्छी बारिश हो जाती है जी। तो वो स्थिति बनी हुई। दूसरा, चूंकि वातावरण में नमी इतनी ज्यादा हो चुकी है और उसके बाद यदि धूप आती है तो बहुत ज्यादा उमस वाली स्थिति हो रही है। इसमें आमजन को भी समस्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, फसलें छोटी छोटी हैं और उमस होने से कीड़े बीमारी की समस्या बढ़ रही है जी। तो ये स्थिति कह सकते हैं आज भी दक्षिण में वो सिस्टम के कारण आज भी शाम को पानी, रात में पानी आ सकता है खंडवा में जी। कल भी हल्की फुल्की चांस ना के बराबर है, लेकिन बैतूल और खरगोन में हल्की फुल्की है जी। तो 25 में पानी ना के बराबर दिख रहा है, लेकिन 26 में बंगाल की खाड़ी में दोबारा से सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और उसका असर पूरी मध्य प्रदेश के साथ बैतूल तक देखने को मिलेगा। 27 से पूरे मध्य प्रदेश में बारिश दोबारा सक्रिय होने की पूरी संभावना जी। सर, जैसा अभी तक के कल मैंने एक खबर देखी थी कि जो केंद्रीय मौसम विभाग जो है उनकी तरफ से बता दिया गया, सूचना जारी कर दी गई कि खंडवा जिले में मानसून आ चुका है जी। आपका सर पूर्वानुमान क्या कहता है, क्या आप मानते हैं कि मानसून खंडवा में आ चुका है? नहीं, मानसून आ चुका है जी। मैंने बताया मानसून क्या है, जो पूरा उनका जो सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर चलती है जी, उस हिसाब से मानसून की जो लेयर है जी, वो तो उनके हिसाब से जो दिखाया है वो सही है। खंडवा का खंडवा से ऊपर विदिशा तक पहुंच चुकी है, ऊपर तक जी। लेकिन उसकी सक्रियता जैसी होनी चाहिए जैसी नहीं है जी। और उसका मतलब उसका असर यही, उसका जो 27 से प्रॉपर पानी मिलेगा, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी की ब्रांच भी सक्रिय हो जाएगी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी की ब्रांच दोनों मिलकर ऊपर तक जाएंगी, तो अच्छा पानी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो परिस्थिति ऐसी बनती कि पानी आया फिर गायब हो गया, इससे ज्यादा नमी होने के कारण काफी दिक्कतें आती है आमजन को भी और खेती में भी जी। जी जी। तो सर ऐसे स्थिति में किसानों ने क्या सतर्कता रखनी चाहिए? किसानों को जो मैं सलाह दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ कि जब तक जमीन में 9 इंच गहराई तक पानी, नमी ना पहुंच जाए, या फिर
आपके पास पानी की सुविधा हो जी, तो ही आप बुवाई करें, अन्यथा अभी रुकें, क्योंकि जमीन में उमस हो रही है, वातावरण में उमस है। यदि आप बीज लगाएंगे और धूप आने से, नीचे नमी ज्यादा रहने से कई बार बीज जो बोलते हैं ना बफा जाता है, खराब हो जाता है, खराब होने की संभावना रहेगी। जमीन से बाहर आने में 7 से 10 दिन लगते हैं बीज को, लेकिन उससे पहले यदि ऐसी परिस्थिति है तो बिल्कुल बोने से रुकें, अभी बुवाई ना करें, क्योंकि 15 जुलाई तक का समय रहता है बुवाई करने का, तो इसलिए इंतजार करें। 27 तारीख से लगातार पानी मिलने की चांस है, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको घिर लग जाएगी पानी की, बीच में गैप आएंगे। जैसी जब मौसम में ठंडक आ जाएगी, जमीन अच्छे से ठंडी हो जाएगी, फिर आप बुवाई करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा, मतलब बीज का अंकुरण भी अच्छा होगा, पौधा अच्छी होगी, साथ ही साथ जो कीड़े बीमारी की जो समस्या भी उमस के कारण हो रही वो भी नहीं आएगी। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है या मुझे किसी ने बताया कि इस साल गत वर्षों की अपेक्षा बारिश कुछ ज्यादा होगी, करीब हर साल जितनी होती है उससे 110% तक के बारिश होने का बता। नहीं, ऐसा है, इस बार 6% प्लस माइनस है, मतलब या तो 94 जाएगी या फिर 106% की बारिश की संभावना बताई जा रही है जी। मानसून सामान्य है, मानसून की दिक्कत नहीं है, मानसून इस बार भी सामान्य है। पिछली बार भी, पिछले साल आपने देखा शुरू के 3 महीने पानी बिल्कुल भी नहीं था, और सितम्बर में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो जो एवरेज कोटा है जिले का 810 mm वो कवर हो गया, पूरा हो गया, तो मानसून सामान्य हो गया। लेकिन मानसून अनियमित है, मीन्स जैसे अभी आप देख रहे हैं मानसून पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है कि मानसून आज आ रहा है, कल आ रहा है, पहले 3 दिन आगे चल रहा था, अब 1 हफ्ते लेट हो गया, उससे भी ज्यादा लेट हो गया। तो ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी, पानी मिलेगा तो वो लगातार आपको एक सा पानी मिले, बार बार मिलता रहे, ऐसा नहीं है, बीच में गैप भी आएंगे, तो अनियमित मानसून है, बाकी मानसून सामान्य है। कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो जाएगी, बहुत सघन बारिश हो जाएगी, कहीं पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे भी वर्तमान में देखें तो पंधाना ब्लॉक, खालवा ब्लॉक, पुनासा ब्लॉक और इधर खंडवा में कहीं कहीं पानी है, लेकिन हरसूद ब्लॉक पूरा खाली है, छेगा माखन ब्लॉक पूरा खाली है, बलड़ी ब्लॉक पूरा खाली है, तो ये स्थिति रहेगी जी। सर हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी, जिन्होंने हमें मौसम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।